हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन लैपटॉप सर्विस सेंटर जिसका नाम है सूरज कंप्यूटर्स। अभी आपने स्क्रीन पे देखा एक लैपटॉप डेल का है और बहुत ही चर्चित मॉडल है और इसी में जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इसकी स्क्रीन है वो आप देखोगे ब्रोकन है। मतलब ये जो स्क्रीन है पूरी तरह से टूट गई है, ब्लैकआउट हो गई है। आधे में तो बिल्कुल ब्लैक है और आधा कुछ पार्ट्स कुछ अच्छा भी दिखा नहीं पा रहा है। तो मैं बताना चाह रहा था कि जो स्क्रीन जो टूटती है तो मोस्टली 90% ये दबाव के कारण या टक्कर के कारण या फिर किसी भी फिजिकल के ही कारण टूटती है, अन्यथा ये स्क्रीन जो होती है लैपटॉप की खराब नहीं होती। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लैपटॉप को कोशिश करते हैं कि शट डाउन करते हैं और उसके बाद शट डाउन करने के बाद बैटरी वगैरह रिमूव करके हम इसको खोल के चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम बैटरी रिमूव कर देते हैं ताकि इसमें करंट का फ्लो ना रहे। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका टॉप पैनल का ये बेजल होता है हम इस बेजल को खोल लेते हैं। अगर जो हम बेजल को खोल लेंगे सही से तो इसका जो लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो आपको साफ साफ नजर आने लगेगा कि इसके स्क्रू कहाँ पे हैं, कितने स्क्रू खोलने हैं और क्या होता है। वैसे ये मॉडल जो है डेल का 3567 का मॉडल है और ये काफी यूजर फ्रेंडली मॉडल है। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, बहुत सारे यूजर इसे यूज भी करते हैं और बहुत ही बढ़िया मॉडल है। तो ये 3567 जो है डेल का, अभी हम सबसे पहले हमने बेजल खोल लिया, अभी हम इसका स्क्रीन खोलेंगे। मेनली चार ही स्क्रू होते हैं स्क्रीन के लिए, चारों के चारों आपको ऊपर से ही दिख जाएंगे और काफी छोटे, मतलब काफी तो नहीं लेकिन छोटे स्क्रू होते हैं। स्क्रू खोलने के बाद हम देखेंगे कि इसमें जो स्क्रीन लगी हुई है मेनली कौन सी स्क्रीन है। वैसे ये 15-6 पेपर LED है लेकिन इसमें भी जो होता है वो पिन का अंतर पड़ जाता है, जैसे कि 40 पिन और 30 पिन। अभी हम देखेंगे, आप देखोगे LCD है 30 पिन का। तो अभी सबसे पहले इसको रिमूव कर लेंगे हम अच्छे से वायर का ध्यान रखते हुए ताकि ये वायर डैमेज ना हो। वैसे तो इसमें लॉक होता है, लॉक खोलने के बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो अभी आप देखोगे कि पूरा का पूरा स्क्रीन ये जो है वापस आ गया, बाहर निकल गया है। अभी क्या करेंगे, सेम नया स्क्रीन लगा करके हम इसमें चेक करेंगे कि ये स्क्रीन के अलावा तो इसमें और कोई डैमेज हुई है या नहीं। हमने एक नया स्क्रीन ले लिया है और हम इसको लगाने के बाद प्रॉपर फिक्सिंग के बाद जैसे कि इसका कनेक्टर हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो 30 पिन का कनेक्टर होता है वो इसके अंदर बढ़िया से फिट किया जाता है। फिर ये आप देखोगे कि इसमें एक लॉक है जो लॉक पकड़ के रखेगा और ऊपर से एक टेप है। हम मजबूती के लिए इसके ऊपर एक टेप भी लगा देंगे ताकि ये निकले नहीं। और उसके बाद हम इसमें स्क्रू टाइट करेंगे और स्क्रू टाइट करने के बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम इसके चारों स्क्रू वापस लगा देते हैं। अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे चार्जर के थ्रू। अभी आप देख रहे हो कि स्क्रीन प्रॉपर चेंज हो चुकी है और नई स्क्रीन आप देख रहे हो कि ये लग गई है और आप देख रहे हो विंडो भी चल गया है। तो अगर जो आपके पास भी कोई डेल का ऐसा कोई लैपटॉप है या कोई भी मॉडल हो या 3567 हो या कोई भी लैपटॉप का मॉडल आपके पास डेल का, तो अगर जो उसकी स्क्रीन में प्रॉब्लम तो आप सूरज कंप्यूटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर सभी प्रकार के सभी लैपटॉप की सभी स्क्रीन आपको हैंड टू हैंड या फेस टू फेस ही चेंज करता है। धन्यवाद।